कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हम लोग ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और दिन के आज जो भी रूटीन होंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, बने रहिए ब्लॉग में। आप लोगों के इधर गर्मी का क्या हाल है आप लोग बताइए। हमारे यहाँ तो बहुत पड़ रही है इतनी समय, और गर्मी की वजह से ना तो कहीं हम जा पा रहे हैं ना आ पा रहे। जो भी है घर का रूटीन थोड़ा सा थोड़ा वही सूट करते हैं, क्योंकि गर्मी में कहीं जाना हो ही नहीं रहा है। तो सुबह समझ लो कि 8-9 बजे, कल वाला ब्लॉग तो देखा ही होगा कि गर्मी में कैसे हमने मंडप लगाया बाहर और कैसा यही जुगाड़ उगाड़ करके कैसे भी करके। और ये हमारा घर टीन का है ना, तो और यही नहीं नागपुर में ही नहीं, कहीं पे भी देखो हर जगह गर्मी। और हम लोग काम वाम करके 10-11 बजे से अंदर हो जाते हैं और उसके बाद निकलते 5 बजे तक, 5-6 बज जाते अपने को कमरे बाहर नहीं निकलते। धूप ही इतना ज़्यादा रहती और कहीं आना जाना होता नहीं, इसलिए ब्लॉग शूट नहीं कर रहे। जो भी है थोड़ा थोड़ा घर का ही डाल देते हैं और आप लोग वो करिए। जैसे ही मौसम थोड़ा अच्छा होगा हम बाहर जाएंगे और बाहर का शूट करेंगे, आपको दिखाएंगे। अभी कैसा है कुछ हो नहीं रहा, इसलिए हम लोगों का ब्लॉग भी अच्छा नहीं बन रहा है, हमको मालूम है, लेकिन फिर भी प्यार सपोर्ट बनाए रहिए। इंटरेस्टिंग ब्लॉग नहीं है। हाँ, कैसा है बाहर निकलें कुछ कहीं घूमने जाए। और वैसे भी कभी कभार शाम को हम रात घूमने जाते हैं, लेकिन कैसा गर्मी तब भी रहती है, गर्मी की वजह से ना कहीं इच्छा ही नहीं होती है जाने की, कुछ भी करने की नहीं इच्छा होती। और कैसे भी करके हम थोड़ा थोड़ा सूट कर लेते इधर उधर का, और आपको भी डेली रूटीन दिखाएंगे, वही झाड़ू पोछा बर्तन चौका, तो आप भी ऊब जाओगे कि ये लोग, इनका तो एक ही काम है बस, रह गया है बस बर्तन धोए खाए पिए बस। और जब कहीं अपना जाना नहीं हो रहा तो अपने पास में वही काम है सिर्फ, इसीलिए हमारा थोड़ा सा ब्लॉग अच्छा नहीं बना है, हमको मालूम है। शूट करने की इच्छा ही नहीं होती यार, गर्मी इतनी है और मौसम थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, बारिश वारिश होना चालू हो जाए तो फिर बर्डी मार्केट वगैरह जाएंगे, पूरा आपको दिखाएंगे दिखाएंगे। और नागपुर में बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत जगह अच्छी अच्छी है, लेकिन कैसा है धूप की वजह से हम कहीं जा नहीं पा रहे। और कैसा है जैसे ही मौसम अच्छा होगा थोड़ा सा गर्मी कम होने दीजिए तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे। और आज हम लोग आप लोगों से सिर्फ बातें ही कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा जो भी है घर का रूटीन वो भी दिखा देंगे। उतना मज़ा नहीं आती है, मज़ा हमको जब नहीं आ रही तो आपको कैसे मज़ा आएगी। लेकिन फिर नहीं, आप लोगों भी घर में पूरा घर पे रहते होंगे, सिर्फ जो ऑफिस वगैरह जाने वाले उनको तो जाना ही रहता होगा, बाकी तो अभी सब लोग इंडिया में तो जहाँ तक है सभी लोग घर पे रहते हैं। अभी गर्मी बहुत है इंडिया में, सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर चलता है दिल्ली में अभी 55-52 वगैरह चल रहा है, और हमारे इधर नागपुर में भी कम नहीं है और ना ही यूपी में है। मेरी मम्मी लोगों से बात होती है ना, उधर भी बोलते इतनी तपन है, इसीलिए हम गए नहीं गाँव, हम जाने के लिए तैयार हुए थे इस बार जा नहीं ट्राई किया था। और फिर अभी वैष्णो देवी के लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन गर्मी है कि यहाँ से दिल्ली तक जाते जाते हालत है, लेकिन आगे फिर वहाँ पर ठंडी है लेकिन इधर दिल्ली तक जाने में ही हालत ख़राब हो जाएगी बहुत। और अभी कैसा है बच्चों की स्कूल खुलने वाली है, इसलिए फिर कहीं नहीं जाना वाना हो, अब सीधा जाएंगे दिवाली का टाइम पे। हाँ जाएंगे, चलो और दिखाते हैं आपको जो भी किया है आज का शुरू अच्छी आज है, इसलिए हम खराब के लिए बना रहे हैं भगवान को भोग लगाने का। आलू सब्जी काट के रखनी है, सब्जी का जो कब मिक्स वेज बनाओगे। ये देखिए गाइस, भगवान को भोग लगा रहा है अपने, ये पापा है भोग लगा रहे हैं, भोग लगा देते हैं, पूजा वगैरह कर देंगे, अभी दिया वगैरह जलाना है। ये देखिए मंदिर मतलब साफ सुफ कर दिया है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए भगवान को नहला देते हैं, लोटे से पानी निकाल देते हैं, और गर्मी रहती है ना बहुत ज़्यादा, तो क्या है मतलब कि भगवान कई दिन ऐसे बैठे रहते हैं दिन भर, तो क्या है फिर अभी एक काम किया, मैंने सोचा कि नहला देते ला के इनको भी। ये देखिए नहला देंगे इनको भी, ये देखिए भगवान नहा रहे हैं, ये हो गया भगवान को नहला देते अच्छे से, वो बहन भी नहा रही है उधर साइड, ये देखिए मुँह धो रही है, फिर भगवान को भी नहला देता हूँ फटाफट से, मतलब क्या होले ठंडे होले हैं अभी थोड़ा सा आराम से। ये देखिए ठंडा कर देता हूँ थोड़ा सा इनको, फिर क्या है कपड़े वगैरह चेंज कराएंगे। गाइस ये देखिए मैं नहा के धो के आ चुका हूँ, और बहन भी नहा ली है, पहना रही है भगवान को कपड़े, कुछ देर ऐसे तुलसी में ठंडा होने के लिए बैठा देंगे, वो पूल में खेल के आए। ये देखिए गाइस भगवान हमारे आज के नाश्ते में बना था शाम को ये क्या कहते
चिल्ले बेसन के ये अचार चटनी और अचार था, चटनी आम की थी बनाई हुई। ये देखिए चटनी में खा लेता हूँ मैं डुबो के, उसके बाद ये देखिए और तोड़ के दिखाता हूँ आपको अचार के साथ कैसा दिखता है अचार। वैसे मैं ज़्यादा नहीं लगाऊँगा, वैसे तो बहुत लोग लगाते हैं ज़्यादा, लेकिन मैं नहीं लगाते इतना। ये देखिए खा लेता हूँ, ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। यहाँ पे हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।